गाइस, आज से और अभी से हम लोग अपने जितने भी पुराने ओरिजिनल सीरीज है जो कि मैंने खुद इन्वेंट किया था, वो सारे के सारे सीरीज आज से हम लोग अपने चैनल पर वापस लाने वाले हैं। तो गाइस, आप लोग को बस सपोर्ट दिखाना है, लाइक कर दो इस वीडियो को, और अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बना कर रखे हैं गाइस। तो ये सारे के सारे जितने भी सीरीज है वो सारे के सारे मैंने ही इन्वेंट किए थे। बहुत सारे सीरीज है गाइस, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड गाइस, बेसिकली ये सारे के सारे सीरीज में क्या होता है, हमारे जितने भी COC के प्लेयर्स हैं ना, उनके रिलेटेड ही हम यहाँ पर बातें करते हैं, हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताते हैं। तो गाइस यार, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, तो गाइस स्वागत है मेरे सबसे बढ़िया वाले सीरीज के सीजन 2 में और एपिसोड 1 में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थिंग्स दैट मोस्ट प्लेयर्स हेट इन क्लैश ऑफ क्लैंस। अगर गाइस आप लोग बहुत ही ज्यादा पुराने व्यूअर हो मेरे, तो आपको जरूर से पता होगा कि भाई ये सीरीज कितना ज्यादा पसंद किया जाता था, इसीलिए तो मैं ये सारे की सारे चीजें वापस ला रहा हूँ, है ना। तो चलो यार, सबसे पहले की तरफ बढ़ेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, सबसे पहले हमारे लिस्ट में आता है लॉस्ट ए बैक टू बैक वॉर्स। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग एक बहुत ही बढ़िया वॉर क्लैन में हो और अगर आपका जो क्लैन है वो बैक टू बैक 2 से 3 वॉर हार जाती है, तो भाई आपको कैसा लगता होगा मुझे जरूर से पता है, क्योंकि हमारे साथ भी हो चुका है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना गाइस, आपको कैसा लगता है जब आप लोग अपने क्लैन में बैक टू बैक क्लैन वॉर्स हारते रहते हो या फिर CWL हारते रहते हो। भाई यार, बहुत ही बुरा टाइम होता है, वो सही बता रहा हूँ। एंड गाइस, ऊपर से तो यार डीमोटिवेट भी हो जाते हैं भाई कि यार अब कैसे खेलेंगे वॉर, लेकिन हमें स्ट्रॉन्गर होना है, हमें खेलते रहना चाहिए वॉर, तभी तो हम लोग जीतेंगे, स्ट्रीक्स बनाएंगे, है ना। तो चलो बढ़ते हैं सेकेंड वाले की तरफ, और सेकेंड में आता है गाइस एक्सीडेंटली लूज जेम्स। भाई ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ यार, क्या बताऊँ मैं, मेरे साथ कितने बार हुआ ये। भाई यार, इसमें क्या होता है ना कि हम लोग गलती से कोई भी एक बिल्डिंग में एकदम है ना जोश में आके होश खो बैठते हैं और जेम्स में दबा देते हैं, समझ लो 1000 जेम्स। तो एक बार मैंने गाइस गलती से 700 जेम्स जो है ऐसे ही उड़ा दिया था, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि भाई कब चला गया, मुझे यूज़ करना ही नहीं था, फिर भी अपने आप एक्सीडेंटली क्लिक हो गया जेम्स के बटन पे और वो उड़ गया। गाइस, अगर आपके साथ हुआ है तो ज़रूर बताना मुझे। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं तीसरे वाले ऐसी चीज़ के ऊपर जो COC के प्लेयर्स हेट करते हैं। एंड गाइस, हमारे पास जो तीसरे में आता है वो है एक्सीडेंटली मेस्ड अप इन ए क्लैन वॉर अटैक्स और ए नॉर्मल अटैक्स, डजंट मैटर, है ना, मेसअप तो मेसअप होता ही है। तो गाइस, यहाँ पर भी यार बहुत सारे प्लेयर्स को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है जब उनका जो अटैक है वो एकदम सोच के चलते हैं कि भाई हाँ इसमें इतना परसेंटेज लेना है, इसमें मुझे 3 स्टार लेना है, कुछ तो भी वो लोग गोल सेट करके चलते हैं ना, समझ लो क्लैन वॉर ही हो गया, क्लैन वॉर में हम लोग सेट करते हैं भाई हाँ इतना तो मुझे आ ही जाएगा, कोशिश करूँगा 3 स्टार आ जाए, जब ये हार्ड बेस होता है तभी की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा सोच के चलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा मैसअप हो जाता है, कभी कभी आपका स्पेल टाइम, मतलब आप जब स्पेल ड्रॉप करते हो उसका टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, और उसके वजह से आपका जो अटैक है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। आपका ध्यान कहीं और देना होता है लेकिन आप ध्यान कहीं और दे देते हो बस उस स्पेल के चक्कर में। तो गाइस, मुझे पता है यार ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगी होगी, अगर गाइस ये आपको रिलेटेबल लग रही है तो लाइक ठोको भाई, बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे ऐसे। तो यहाँ पर अगर हम लोग चले 4th नंबर के ऊपर, तो गाइस वो है फॉरगॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ पावर पोशन व्हाइल इट इज ऑलरेडी इन यूज। तो गाइस, ये भी बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो यार बहुत बार हुआ है। तो गाइस, इसमें होता क्या है कि हम पावर पोशन यूज करते जब, समझ लो हम लोग एक नए टाउन हॉल में आए और वहां पर हमारा जो लैब है वो हमने अपग्रेड किया, एंड फिर हम लोग सोचते है कि चलो बहुत ही तगड़ा खेला जाए, अब थोड़ा अटैक वटैक किया जाए, मतलब हम लोग ये टाउन हॉल 10 में आए हैं तो चलो टक्कर देते हैं टाउन हॉल 10 वालों को। तो ऐसा सोच के हम लोग पावर पोशन यूज करते हैं, लेकिन बीच में कुछ काम आ जाता है और हम लोग छोड़ देते हैं यार गेम खेलना, मतलब 1-2 घंटे के लिए क्या छोड़ते हैं, और आपको पता ही है पावर पोशन का जो टाइम होता है वो सिर्फ 1 घंटे का होता है, और उसी टाइम के बीच में हम लोग भूल जाते हैं पावर पोशन को यूज करना, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है जब हम लोग टाउन हॉल को अपग्रेड करके आते हैं।
भाई ये टाइम पे जो गुस्सा आता है भाई, जो गुस्सा आता है क्या बताओ गाइस, मेरे साथ बहुत बार हुआ है एंड आई एम श्योर कि यार आप लोगों के साथ भी हुआ ही हुआ होगा, क्योंकि सीधी सी बात है यार सभी के साथ होता है ये। और सिर्फ पावर पोशन ही नहीं, काफी सारे पोशन है जो आप लोग यूज करते हो लेकिन उसका एडवांटेज लेना ही भूल जाते हो, तो ऐसा बहुत बार होता है गाइस। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। तो गाइस चलो बढ़ते हैं पांचवे के ऊपर, और गाइस पांचवे में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूजिंग रून ऑफ गोल्ड और एनी टाइप ऑफ रून, आप लोग समझ लो कोई भी एक रून हम लोग तभी यूज कर देते हैं एक्सीडेंटली जब हमारा जो स्टोरेज है वो फुल होने ही वाला होता है, समझ लो आधा फुल हुआ रहता है और हम लोग एक्सीडेंटली क्लिक कर देते हैं रून ऑफ गोल्ड। फॉर एग्जांपल रून ऑफ गोल्ड पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और हमारा जो हाफ स्टोरेज है वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है गाइस, हम लोग सोचते हैं कि चलो कुछ अपग्रेड कर लेते हैं और जब मेरा जो स्टोरेज है पूरा का पूरा डेड हो जाएगा ना, मतलब पूरा खाली हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे रून ऑफ गोल्ड और फिर उसके मदद से हम लोग कुछ दूसरा अपग्रेड करेंगे। लेकिन उधर पे क्या होता है गाइस, हम लोग पहले अपग्रेड करने की जगह पे हम लोग सबसे पहले दबा देते हैं रून ऑफ गोल्ड पे, एंड गाइस तभी हम लोग अपग्रेड करने का छोड़ के हम लोग दबा देते हैं रून ऑफ गोल्ड पे और यहाँ पर हम लोग बहुत गंदा वाला मैसअप करते हैं गाइस। हम लोग अपना रिसोर्स जो है वो पूरा वेस्ट कर देते हैं यार, मतलब आधा स्टोरेज भरा हुआ है और फिर हम लोग रून ऑफ गोल्ड यूज करते हैं। भाई क्या मतलब यार, आधा फिर से भर गया, मतलब अगर हम लोग पहले ही उस गोल्ड को यूज कर लेते और यहाँ पर हम लोग फिर रून ऑफ गोल्ड को यूज करते तो हमारा स्टोरेज फिर से एक बार फुल हो जाता तो वहां पर हमें एडवांटेज मिलता। लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंटली कभी कभी क्लिक हो जाता है गलती से एक रून ऑफ गोल्ड पे जब हमारा स्टोरेज आधा भरा हुआ होता है, भाई बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है यार ऐसे टाइम पे। आई एम श्योर यार ये आपको भी रिलेटेबल लग रही होगी, आपने कभी ना कभी तो ऐसा कर ही दिया होगा गलती से। तो ऐसा चलो बढ़ते हैं सिक्स वाले पॉइंट के ऊपर, और सिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं डोनेशन के ऊपर। तो गाइस आप बोलोगे ये डोनेशन में क्या हो सकता है जो हेट करे पब्लिक, अभी तो वैसा कुछ सीन ही नहीं है, अभी आप लोग जो मर्जी चाहे वही आप मांग सकते हो रिक्वेस्ट में, तो इसमें कोई रॉन्ग डोनेशन का सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, इसमें एक और प्रॉब्लम है जो कि आप लोग फेस करते हो लेकिन आपको अभी नहीं याद आ रहा है वो, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर एक ऐसी चीज होती है, जैसे कि समझ लो आप लोगों ने डोनेशन मांगा, वो किसी चीज के लिए भी हो सकती है, वो वॉर अटैक्स के लिए हो सकती है या फिर वो नॉर्मल अटैक के लिए हो सकती है, लेकिन उसी टाइम पे आपको कोई भी डोनेशन नहीं देता गाइस। और ये टाइम पे बहुत सारे प्लेयर्स भड़क जाते एकदम से, और कभी कभी तो कोई कोई प्लेयर लीव भी कर देता है, अगर वो होपर हो तो वो लीव भी कर देता है। तो ये हुआ है ना आपके साथ, है ना हुआ है ना, कमेंट करना जल्दी से। तो गाइस सेवेंथ में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया वाले पॉइंट के ऊपर गाइस, ये आपको बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नॉट टेकन इन अ क्लैन वॉर व्हाइल यू वांटेड टू प्ले। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, यहाँ पर आप लोग क्लैन वॉर खेलना चाहते हो ठीक है, लेकिन लीडर कभी कभी भूल जाता है आपको क्लैन वॉर में लेना, या फिर कुछ वजह से वो आपको नहीं लेता है और आपको तभी वॉर खेलना ही होता है किसी भी चांस में। तो तभी आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है गाइस, आपको बहुत ही ज़्यादा लीडर के ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि उसने आपको वॉर में नहीं लिया। एंड गाइस एक और चीज़ है, यहाँ पर आप लोग अपग्रेड करने पर लगाते हो अपने सारे के सारे हीरोज को और आप लोग अपना जो प्रोफाइल में जाके वॉर को आउट कर देते हो, और फिर जब आपका अपग्रेड हो जाता है सारे के सारे हीरोज, आप लोग इन करना भूल जाते हो और आपको वॉर में नहीं लिया जाता। तो ये भी बहुत ही ज्यादा हेट करने वाली चीज है क्लैश ऑफ क्लैंस में। सो गाइस अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे के सारे क्लैश ऑफ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, एंड गाइस सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा। तो चलो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर हम लोग बात करने वाले कनेक्शन लॉस्ट ड्यूरिंग दी वॉर अटैक्स और नॉर्मल अटैक्स। तो गाइस मुझे पता है ये काफी सारे लोगों के साथ हुआ है, आई एम श्योर आपके साथ एक ना एक बार या दो ना दो बार या तीन ना तीन बार या चार ना चार बार हुआ ही होगा। गाइस कमेंट करके बताओ कितने बार हुआ है, अनगिनत बार हुआ है या फिर एक दो बार ही हुआ है, वो भी कमेंट करके बताना। तो गाइस होता क्या है यहाँ पर, आप लोग समझ लो एक बहुत ही एसेंशियल अटैक करने जा रहे हो, समझ लो वॉर अटैक, बहुत ही एकदम हार्ड मोमेंट चल रहा है यहाँ पर, बहुत ही सीरियस मोमेंट चल रहा है और आपको निकालना है 3 स्टार, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा एकदम डेस्परेट होते हो 3 स्टार लेने के लिए। लेकिन जैसे ही आप अटैक पे दबाते हो,
जैसे ही आप ट्रूप छोड़ने ही जाते हो और आपको लगता है हाँ 3 स्टार तो ले ही लूँगा, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलता है और उसी सेकंड में आपका जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है। अब मुझे पता है आपके अंदर कैसी रेज आ रही होगी, मुझे ज़रूर से पता है, मेरे साथ हो चुका है ऐसा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। गाइस ये मोमेंट पे ना आप लोग एकदम ना ऐसा लगता है कि यार फ़ोन ही तोड़ दो, लेकिन नहीं तोड़ सकते ना, एक ही तो फ़ोन है, पप्पा नहीं दिलाएंगे दूसरा फ़ोन। तो गाइस क्या कहते हो, ऐसी सीरीज की और भी एपिसोड्स बनाई जाए? कमेंट करके बताओ गाइस, अगर आपको इसकी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे कमेंट करके बताओ। और मेरी जितनी भी ओरिजिनल सीरीज़ है जो कि मैंने खुद बनाया था, मेरे से पहले कोई नहीं बना रहा था, वो भी प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोग देख लेना, या फिर एंड स्क्रीन में, या फिर आपको पोल में मिल जाएगा। आपके ऊपर देखो एक चीज़ आ रही होगी वाइट कलर की, उसमें अगर आप दबाओगे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी, फैक्ट्स वैक्ट्स जितने भी है सारे के सारे सीरीज़। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि लंबी हो गई है वीडियो, तो हमें इतनी लंबी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन बन चुकी है, क्या करें। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो भाई ज़रूर से लाइक करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार ऐसा, मतलब ढूंढने में ये सारी चीज़ों को, तो एक थोड़ा सा सपोर्ट कर दो गाइस, अपने सारे के सारे क्लैशर दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आप लोग नए हो और मेरा कंटेंट पसंद आया तो गाइस ज़रूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना। तो गाइस मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑसम वीडियोज़ के साथ। तो गाइस तब तक के लिए मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, इंस्टाग्राम में चेक कर लेना, नीचे सारे की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी रहती है, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने भर के रखा हुआ है, जाकर एक बार चेक कर लेना। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए प्ले गेम्स, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी गेमडियन, पीस आउट।